जी प्रणाम। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अपने बिहार से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। 22 मार्च तारीख साल 1912, इसी दिन अपने बिहार को बंगाल से अलग करके इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिला था और इसीलिए 22 मार्च को हर साल इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है बिहार दिवस के रूप में। सभ्यता द्वार है जिस तरीके से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, दिल्ली में इंडिया गेट है, अपने पटना में गंगा माता जी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ये सभ्यता द्वार जिसका बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ है और ये हमारा विजय स्मारक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन लगता है और यहाँ कितने लोग आते हैं, सेल्फीज लेते हैं और बैठने का एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। चाहे रामायण काल की बात करें या महाभारत काल की, अपने बिहार का जिक्र आपको हर जगह पे मिलेगा। सबसे पहले रामायण के समय की बात करें तो माता सीता, माँ जानकी का मायका अपना बिहार ही था और इस तरीके से आप समझो कि भगवान श्री राम का ये ससुराल हुआ अपना बिहार और यहाँ के लोग जो है भगवान श्री राम को दामाद मानते हैं। एंड दूसरी बात, अब महाभारत काल में चलें महाराजा कर्ण, मुंगेर और भागलपुर का जो इलाका है जिसे अंग देश कहा जाता था, यहीं के राजा थे महाराजा कर्ण। इस तरीके से बड़ा ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है हमारा। और अब जो मुंगेर की बात छिड़ी है तो लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले बंदूक बनाने का काम जो है मुंगेर में ही शुरू हुआ था। इनफैक्ट फ्रांस से कारीगर आते थे यहाँ के लोगों को बंदूक बनाने के लिए सिखाने के लिए। करें मंदिरों की तो अपने देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर भी अपने बिहार में ही है, मुंडेश्वरी मंदिर जो भभुआ के पास है। करीब वहाँ के शिलालेख ये बताते हैं कि ये मंदिर जो है 2000 से 3000 साल पुराना है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म अपने बिहार में पटना सिटी में सिखों का वो धर्म स्थल तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पटना के नाम, और जब भी मौका मिलता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। एक अलग ही शांति, एक अलग सा सुकून मिलता है। मुख्य त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा जो है छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित ये पर्व है। ये 4 दिनों का महापर्व होता है और अपने बिहार के लोक आस्था का ये पर्व। साल में 2 बार बड़े धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है और 1 मार्च से अप्रैल के महीने में और दूसरा अक्टूबर से नवंबर के महीने में अपने बिहार में छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे तो लोग कहते हैं कि लिट्टी चोखा जो है वो हमारा फेमस फूड है, पर मैं आपको बता दूं आप बिहार आओ, यहाँ का ना सिर्फ लिट्टी चोखा बल्कि गाजा, खाजा, मिर्जई, लाई, ठेकुआ, पिड़ुकिया, अनरसा, इनफैक्ट चंपारण मीट हाउस की अगर बात करूँ तो भाई यहाँ का चंपारण मीट तो भाई जगह जगह इसके ब्रांड्स आउटलेट बने हुए हैं और लोग बड़े चाव के साथ खाते हैं और इनफैक्ट यहाँ का हर एक व्यंजन का एक अलग ही जायका है, एक अलग ही टेस्ट है और मेरा फेवरेट। तो 0 नंबर के बारे में बताने वाले, 9 ग्रहों का सिद्धांत दिखाने वाले और यूं कहूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रूल्स का परिचय देने वाले आर्यभट्ट जी अपने बिहार से ही। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला अपने बिहार में ही लगाया जाता है जिसका नाम है सोनपुर मेला और ये सोनपुर मेला जो है भगवान हरिहर नाथ मंदिर जी के पास सोनपुर के पास लगाया जाता है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। अपने बिहार को आप IAS चर्नर फैक्ट्री भी कह सकते हैं, यानी कि अपने देश में जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं सबसे ज़्यादा नंबर्स में अगर बात करूं तो सारे IAS ऑफिसर्स जो हैं मैक्सिमम लोग अपने बिहार से हैं और अपने बिहार को सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट जाना जाता है जिसने देश भर में IAS ऑफिसर्स दिए हैं। की शुरुआत कहूँ कि अपने बिहार से हुआ तो शायद मैं गलत ना रहूँगी क्योंकि वैशाली दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था, यानी कि वहाँ के लोग जो हैं राजा को चुनते थे, यानी कि डेमोक्रेसी की शुरुआत भी अपने बिहार से ही हुई।